unrelenting in its attack on the Modi government. They are accusing it of playing with the future of the youth. Congress, to Samajwadi Party, to left, to the TMC on the eve of parliament session. Opposition is stepping up the demand for education minister's resignation. The government sources, however, say that the role of private coaching centers in the protest is also under the scanner. एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। डायरेक्टर बदलने से कोई होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, मंत्री बदलने चाहिए। पहले मंत्री महोदय ने कहा था कुछ गड़बड़ है ही नहीं, फिर कहा था कुछ गड़बड़ हो सकती है, और कल 24 घंटे जब थे एग्जाम के लिए, तब परीक्षा ही पोस्टपोन कर दिए। और जो ये गड़बड़ी चल रही है, कहते हैं वन नेशन वन पोल, वन एग्जाम नहीं कर पाते। जो आदमी बैठे बैठे क्लीन चिट देते, सड़कों पर बच्चे आए, उनका आक्रोश आया, उसके बाद कहानियां गढ़ने लगे कि थोड़ी भी संगति हम देखेंगे। अब क्यों कर रहे हैं आप? ये एनटीए में फ्रॉड है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। The cancellation of NEET PG exams is sending a chilling message across the country that the BJP government is incompetent, is allowing gangs, organized gangs to leak the papers. In an attempt to turn the tables on the opposition, the BJP is highlighting how there are links to the Congress and the RJD with paper leak mafia in Bihar and Jharkhand. देखो, कोई बचने वाला नहीं है। कोई कितना बड़ा, कितना पहुंच वाला हो, कोई बचने वाला नहीं है। युवाओं के साथ छल किया और वो भाग के सब झारखंड आ रहे। झारखंड में क्या हर कोई झारखंड आके सुरक्षित? क्या यहाँ की सरकार कर रही है? तो कोई बचने वाला नहीं है। जांच हो जाए, मेरा ये कहना है कि जांच हो जाए। मैं सबसे फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जांच हो जाए। बस 6 लोगों का गिरफ्तार करके लेके गए हैं। वो सभी बिहार के लोग, नालंदा के लोग हैं। और हजारीबाग में जो आज पता चला है, ये एक बड़ा सवाल है कि हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये जो सरकार है, झारखंड की जो सरकार है, ये सभी कुकर्मों में लिप्त है। तो ये कुकर्म हो सकता है कि ये नीट की भी का भी कुकर्म हो, लेकिन जांच हो जाने दीजिए। मैं अभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा।